चैनल टू माय वेलकम वेलकम टू माय चैनल बैक टू वेलकम बैक टू माय बैक चैनल मजाक कर रहा हूँ भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राम सोलो ट्रैवलर और मेरे सामने खड़ी है तीन बाइक्स और भाई तीनों ही आपके एडवेंचर टूरर बाइक है। तीनों ही 3 लाख रुपीज़ के अंदर में आती हैं, तो 3 लाख के अंदर में अगर आप इनमें से कोई भी बाइक लेना चाहते हैं आप ले सकते हो। स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ तीनों की मैं, तो सबसे पहले आपकी रॉयल इनफील्ड की हिमालयन, भाई नो नीड टू इंट्रोड्यूस, लेजेंड बाइक है हिमालयन। आपका 411 cc के इंजन के साथ आती है और ये जो इंजन है आपका, ये आपका ऑयल कूल्ड इंजन है और आपकी जनरेट करता है 24.5 PS की पावर, साथ ही वो जनरेट करता है 32 Nm का मैसिव टॉर्क। तो जैसा नाम है हिमालयन, भाई रोडों के लिए नहीं बनी है, पहाड़ों के लिए बनी हुई है, एक्सल करती है पहाड़ों पे, काफ़ी अच्छी बाइक है। वेट इसका 199 kg का है, थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, 200 kg के आसपास आती है, बट टॉर्क सफिशियंट देती है तो वो वेट इसको कहीं भी पुल बैक नहीं करता है। बगल में आपकी खड़ी है सुजुकी की वी स्ट्रॉम SX, 250 cc का इंजन है, सेम ऑयल कूल्ड इंजन है आपका, 26.5 PS की पावर जनरेट करती है, 22.2 Nm का टॉर्क और 160 के आसपास वेट है इसका, काफ़ी अच्छी बाइक है। आगे आप देख रहे हो तीनों बाइक में इकलौती यही बाइक है जिसपे आगे LED लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी लास्ट में आपकी है KTM की एडवेंचर 250, ड्यूक 250 की से अगर आप फैमिलियर हो, तो सेम इंजन है, आगे USD दे रखे हैं, थोड़े बहुत मोड्स कर रखे हैं, सस्पेंशन इनके लंबे कर दिए गए हैं, बाकी इंजन सेम है और एडवेंचर दिखती है बट फील लाइक ए स्पोर्ट्स बाइक। 30 PS का पावर जनरेट करती है, तो तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है, 24 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। तो फिर कर लेते हैं एक बार, अविनाश चलाएंगे एडवेंचर 250, वत्सल्य चलाएंगे आपके वी स्ट्रॉम और मैं चलाऊंगा अपनी प्यारी मेड इन इंडिया हिमालयन। तो भाई स्टार्ट कर दिया, भाई क्या बिल्ड लाइक अ गन लिख के आया, आपने देखा नहीं, लिख के आया तो मैं फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये रॉयल इनफील्ड हेलमेट बिल्ड विद गूगल, ओ बिल्ड विद गूगल लिख के आया भाई। तो करते हैं, उम्मीद है कि सबसे लास्ट में रहूँगा। स्टार्ट करो भाई, और जैसा मैंने बोला था उन्हीं दोनों बाइकों में है, देखो उन्हीं दोनों बाइकों में है जो भी है, अपने को तो भाई पीछे पीछे चलना है आराम से मस्त। ओ भाई क्या वीली पड़ गई थी, एंड वी स्ट्रॉम सेकंड भी स्ट्रॉम गई पीछे, फर्स्ट पे आ गए हम, सेकंड पे भी स्ट्रॉम है। और यहाँ पे सुजुकी ने अपनी पावर स्टार्टिंग में ही दिखा दी भाई, ये देखो सुजुकी की पावर, समझो भाई स्टार्टिंग में ही उसने जान दिखा दी अपनी पूरी लगा के। ये क्या हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे ये सोलर ट्रैवलर बनके। और अभी सबसे पीछे चल रही है हिमालयन और सबसे आगे चल रही है आपकी ड्यूक और बीच में है आपकी वी स्ट्रॉम। तो फिलहाल के लिए वी स्ट्रॉम सेकेंड पोजीशन पे है जैसा, बट हो सकता है कि वो एडवेंचर 250 को बीट कर दे, और सेम चीज़ मैं हिमालयन के लिए नहीं बोल पाऊँगा, सॉरी भाई लोग, क्योंकि सुजुकी ज़्यादा पावरफुल है, इसमें 6 गियर दिए गए, उसमें 5 गियर, तो कहीं ना कहीं इसमें पावर ज़्यादा है ही। KDV ना स्ट्रगल करने लगती है एक टाइम के बाद, बट ये स्ट्रगल 152 तक नहीं करती है। देखते आगे निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते, देखते हैं। और बस थोड़ा और और यहाँ से मैं आगे निकलूँगा। ये देख सकते हो जैसे कि ये कैसे आगे निकल रहा है ये नहीं पता मेरे को। एंड थर्ड पे आपकी हिमालयन, अब भी जो आपकी ड्यूक 250 स्ट्रगल कर रही है भाई, 5th गियर में स्ट्रगल करने लगी गाड़ी, क्योंकि इंजन बता रहा है कि अब स्ट्रगल हो रहा है इस गाड़ी के साथ, अत्याचार हो रहा है इस
गाड़ी के साथ, अभी अत्याचार ये गाड़ी नहीं चल सकती। तो अब देखते हैं क्या अभी स्टॉप कर पाती को आगे, मतलब पीछे की नहीं कर पाती है। बाकी इस बार ले जाएंगे इसके पोटेंशियल तक 50 गियर पे, फिर से 6 गियर लगाएंगे। अपन किसी को बीट नहीं करने वाले हैं, अपन ऐसे ही चलेंगे अपने मज़े में, पीछे पीछे अपन कमेंट्री करते हुए दोनों वालों की, दोनों दिख रहे हैं अपने को आगे जा रहे हैं मस्त। और अभी तक उसने बीट नहीं किया है, अभी तक एडवेंचर 250 जो है आपकी KTM की, KTM ADV 250 उसने लीड अभी तक बना के रखी हुई है। और पीछे लगे हुए हैं आपके V-Strom वाले भैया। अब V-Strom वाले भैया ने पीछे जो देखा है ना, तो मतलब पीछे देखा है तो मतलब गोचा दे दिया है पीछे वाले को, बीट कर दिया है। तो अब दोनों आगे आ चुके हैं और हम वैसे के वैसे ही हैं, अभी भी पीछे ही चल रहे हैं। ऑल तो जीतना तो ADV को चाहिए था। और ये लो भाई, बाय बाय गाइस, चैलेंज टू माय वेलकम। चलो पीछे गया एक और खिलाड़ी हमारा। तो सबसे ज्यादा पावरफुल है V-Strom में तीन, अरे ये क्या है। तो यहाँ पे गेम टक्कर का चल रहा है, बस स्लिप स्ट्रीमिंग का फायदा है कहीं ना कहीं। वो भी चली जा रही 135, और थोड़ा लीन में हो जाता हूँ 37, हमें लग रहा है अब लग रहा है इसका। ओ भाई लो 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 लो, 6 गियर लगाते हैं इसका। वो देखो V-Strom निकली, स्लिप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे भाई खेल चल रहा है अच्छा। यहाँ पे सारा खेल बिट का, स्लिप स्ट्रीमिंग कर लो आप आगे, स्लिप स्ट्रीमिंग से आप हटे आप पीछे। तो वो लोग अपना जुगलबंदी कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, अपना देखाएंगे भाई क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, पर अपने को तो पीछे पीछे चलना है कमेंट्री करते हुए। भाई लोग रोक दो, राइडर चेंज कर लेते हैं ना, एक बार मैं भी जीत लूं। वो देखो स्विमिंग का कमाल, बिल्कुल टक्कर में चल रहे हैं दोनों। भाई कहीं ना कहीं स्लिप स्ट्रीमिंग करके आगे जा रही है, वरना पावर तो ज़्यादा V-Strom में ये 250 से ज़्यादा, क्योंकि 250 स्ट्रगल बहुत करती है भागने में। ये देखो आमने सामने की टक्कर हो रही है, एकदम बराबर टो टू टो चल रही है। और ADV को लाइट वेट होने का फायदा, इनका वेट सबसे कम है, इनको उस चीज़ का एडवांटेज मिल जाता है, वेट कम होने का बहुत फायदा मिलता है इन्हें। इसे कहते हैं राइडर का वेट कम होने का फायदा, मेरा आपसे वेट ज्यादा है ना यार। कुछ भी को मजा आती है हिमालयन चलाने में, फील बहुत अच्छा है यार हिमालयन का चलाते समय। मतलब यार ADV आपकी, चाहे KTM की ले लो आप ADV, चाहे V-Strom ले लो, दोनों ही बाइकें मैं कहूँगा नहीं कि ख़राब है, दोनों ही बाइकें अच्छी हैं। और राइडर प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि उसको किस लिए बाइक चाहिए। अगर पहाड़ों पे आपका घर काफ़ी ज़्यादा दूर है और आपको काफ़ी लंबे हाईवेज पे जाने के बाद वहाँ पहुँचना पड़ता है, तो वो दोनों बाइकें प्रेफरेबल हैं। बट यार पहाड़ों पे चलाने के लिए तो हिमालयन में ही यार मज़ा आती है। तो ये थी आपकी ड्रैग, और मैं लास्ट आया हूँ और फर्स्ट आई थिंक यूम तुम आयो ADV, ये फर्स्ट आई है, सेकंड आपके एडवेंचर आई है। देखेगा सच बोलेगा कि कौन स्लिप स्ट्रीमिंग किया कि कौन नहीं किया। वेट की बात भी तो होती है, वेट इनका मुझसे कम भी तो है। कोई दिक्कत नहीं है, दो फायदे हैं। अब आप ये चलाइए, आप एडवेंचर चलाइए, मैं V-Strom चलाता हूँ, सेम वेट के हैं, सेम वेट के तो नहीं है वैसे। आपका कितना है? 85। थोड़ा सा ज्यादा हो आप। कितना? 78 ना। अविनाश तुम्हारा वेट कितना है? थोड़ा पेट वेट बड़ा करो, वेट बढ़ाओ।
भाई राइडर चेंज हो चुके हैं, मैं वीस्ट्रॉम चलाने वाला हूँ। और एडीबी और केडीएम दोनों अगल बगल चल रही है, थोड़ी सी आगे निकल गई है एडवेंचर। पहली रेस में भी उसने आगे निकली थी, इसमें भी आगे निकली है। लो भाई इनिशियल में हमें आगे, लो 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 लो, कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा आसपास। तुम्हारा भाई जब चलाता है ना तो कोई दिखता ही नहीं है। और तो मजाक कर रहा हूँ, राम भाई का वेट मुझसे बहुत ज़्यादा है, अराउंड 6 to 7 kg ज़्यादा होने की वजह से मैं आगे जा रहा हूँ। लो भाई इनिशियल में नहीं उठती, इनिशियल में क्यों नहीं उठती हो तुम हिमालयन? वो लोग निकल गए, स्लिप स्ट्रीम भी नहीं कर पाएंगे। बताओ स्टार्टिंग में निकल गए, स्लिप स्ट्रीमिंग हम कैसे करेंगे? लॉन्ग रेस में देखते हैं क्या रहता है डिफरेंस, लॉन्ग रेस में देखते हैं क्या डिफरेंस रहता है। क्योंकि सुजुकी की जो आपकी ये वीस्ट्रॉम है, ये मैंने देखा है कि ये मतलब टॉप एंड में खेला खेलती है। ये टॉप एंड इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एडवेंचर। तो देखिए आप लोग देखिए, थोड़ा थोड़ा मतलब डिस्टेंस जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। कितना कम होगा ये मुझे पता नहीं, बट कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है 100% है, 100% है कि कम हो रहा है। और क्या पता ये एडवेंचर से आगे निकल जाए, बट अभी लेकिन वो आएंगे, उड़ते हुए आएंगे भाई। ये भी काफ़ी फास्ट है, अब 6 gear लगाया है मैंने, हालांकि मुझे तो नहीं लगता कोई भी दिखने वाला है यहाँ पे अब मेरे आमने सामने। देखते क्या होता है, पीछे तो मुझे लग नहीं रहा कोई है, बहुत पीछे है भाई, देख सकते हैं आप। अरे आ रही है, वीस्ट्रॉम आ रही है, बहुत स्पीड में आ रही है। देखते क्या होता है, वीस्ट्रॉम आ पाती है कि नहीं आ पाती है। बाकी सभी रेसों में इसने एडवेंचर को बीट किया हुआ है, मतलब जो KTM की ADV है बाकी सभी रेसों में। और ये देखिए, मतलब मैं साइड में चला रहा हूँ, काफ़ी बिल्कुल ही साइड में चला रहा हूँ और स्लिप स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। और देखिए आगे निकल गई, टॉप इन में आगे निकल गई, टॉप इन में इसने एडवेंचर को पीछे छोड़ दिया। ओ भाई स्लिप स्ट्रीमिंग का फ़ायदा वो उठाएंगे ज़रूर। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हिल होने की वजह से थोड़ी सी बाइक स्लो डाउन हुई है, बट ये आई डाउन हो या फिर खींचेगी बाइक। क्या कह रहे हो, बगल में आ रहा है कुछ? अरे वीस्ट्रॉम आ गई, मैंने क्या कहा था वो ज़्यादा फास्ट है, वो आती है वो एंड में बगल में। चलो अब थोड़े स्लिप स्ट्रीमिंग का फ़ायदा उठा के देखते हैं। मैं काफ़ी दूर होकर चलाता ताकि बिल्कुल भी स्लिप स्ट्रीमिंग ना हो, पर उसके बाद भी टॉप इन पे एडवेंचर को इसने पीछे छोड़ दिया है। तो भाई इसकी टॉप इन एडवेंचर से ज़्यादा है, 100% है, 100% इसकी जो टॉप इन है वो आपकी एडवेंचर से ज़्यादा तेज है, आगे निकल जाती है ये ADV। ड्यूक ADV को ये मतलब जो KTM की ADV है उसको ये पीछे छोड़ देती है। और ये बगल में देखिए बस्तर पे आ गए हैं, बगल में दोनों चल रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा गैप बना लिया उन दोनों गाड़ियों ने, बट उन दोनों का टक्कर है। फर्स्ट रेस में देखी क्योंकि मैं स्लिप स्ट्रीमिंग कर रहा था, मैं निकल रहा था बक्सल, स्लिप स्ट्रीमिंग कर रहा था बक्सल निकल रहा था। तो यार उन दोनों गाड़ियों में लगभग कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पावर्स वगैरह में, मतलब ऑन पेपर अगर देखा जाए तो भाई 6 PS का अंतर है दोनों गाड़ियों में, 4 to 6 PS का अंतर है। लेकिन देखो अभी भी वही लग रहा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग आगे जा रही है, ड्यूक को पीछे कर रही है। मौका मिलेगा, मिला, ये मिला मौका, ये आए बगल में तो दोनों कहीं ना कहीं पावर में बगल में, बट वो आगे जाती है, बिल्कुल बराबरी में चल रही है, टो टू टो की फाइट है ये एकदम।
मैं तो और लीन होके देखता हूँ, क्या पता मैं आगे जाऊँ, लेकिन एकदम टो टू टो चल रही है, एकदम टो टू टो। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चक्कर लेना पड़ रहा है मुझे, माइट भी यहाँ थोड़ा सा लंबा चक्कर लेना पड़ रहा है मुझे, हो सकता है ये सबसे पीछे मैं चल रहा हूँ भाई, जबकि विंस्टोम पे जो राइडर है विंस्टोम का उसका वेट 85 केजी के आसपास है। देखो ये स्लिप स्ट्रीमिंग की आप अक्सर ले आके निकल रहा है। देखो यहाँ पे मैं आपको सारा बता रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो गए स्लिप स्ट्रीमिंग की आप अक्सर ले आके निकल गए। अब मैं किसकी स्लिप स्ट्रीमिंग कर लूँ मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। विंस्टोम आई 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 स्लिप स्ट्रीमिंग करके कहाँ गई कहाँ गई? अरे दोनों तरफ नहीं है, कैमरे में भी नहीं है, अच्छा पीछे ही है। चलो इस पेडल को यहीं एंड कर देते हैं, हो गया। ये है आपकी ड्रैग, ये निकली विंस्टोम निकली, कहीं ना कहीं विंस्टोम थोड़ा स्लिप स्ट्रीमिंग ना भी करे तब भी थोड़ा निकल जाती है आगे। बाकी अभी देखो तो भाई काफ़ी मज़ा आई। काफ़ी मज़ा आई ये ड्रैग करने में मुझे, और हाँ भाई चलाने में मज़ा हिमालयन ज़्यादा आती है, और टॉप एंड मुझे लगता है इन दोनों गाड़ी का लगभग सेम है, 19-20 का अंतर है, क्योंकि मैंने जब बीट किया था तो मैं काफ़ी तुमसे दूर करके जानबूझ के दूर से बीट किया था कि स्लिप स्ट्रीमिंग बिल्कुल भी ना हो। इस गाड़ी का वेट ज़्यादा है इससे, नहीं लगभग बराबर है, 8-9-7-4-5-6-7 किलो का अंतर है, वही मतलब पावर लगभग सेम ही आ रही है सब में। बट ये बात है ना कि वेट लगभग सेम है और उसकी पावर इससे काफ़ी कम है, 30 PS पावर जनरेट करती है वो 26.5, उसके बाद भी वो इसको बीट कर रही है टॉप एंड में, और रिफाइंड में इंजन ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा काम किया है। हाँ ये है तो भाई ये थी आपकी ड्रैग रेस और रिजल्ट आप लोग ने देख ही दिया। तो भाई जल्दी से जाइए चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए, और दिस इज़ राम सोल ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।